लोहित जिले के अंदर बसा हुआ एक सर्कल सोनपुरा। सालों से यहाँ रोड नहीं है और रोड नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तेजू में हेडक्वार्टर होने के कारण सोनपुरा के लोगों को न चाहते हुए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए किसी प्रकार से तेजू आना जाना करना ही पड़ता है। वह मुश्किल यह रास्ता 16 किलोमीटर का ही है, पर इन्हीं 16 किलोमीटर को तय करने में शरीर का हर एक अंग मानो दर्द करने लगता है। काम की क्वालिटी आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख ही रहे होंगे। लगातार आ रहे शिकायतों के मद्देनजर आज अरुण भूमि की टीम भी सोनपुरा पहुंची और जायजा लिया इस रोड निर्माण का। लोग हमें अपने साथ हर उस जगह पर ले गए जहां जहां रोड के निर्माण में भारी कमी देखी गई। हमने पाया कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम यहां चल तो रहा है, लेकिन शायद काम DPR के अनुसार नहीं हो रहा है। और बेहतर जानकारी के लिए हमने कोशिश की कि हम PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करें, लेकिन सूत्रों से पता चला कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का तबादला तेजू से हो चुका है और आज के दिन वो तेजू में भी उपस्थित नहीं है। कहते हैं कि रोड निर्माण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, पर क्या ऐसा बिना क्वालिटी का रोड सोनपुरा को विकास की राह पे ले जाएगा? चाहे जो भी हो, पर यहाँ के लोगों ने साफ कर दिया है कि वो इतना निचले स्तर का काम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए PWD विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि जितना भी काम गलत तरीके से हुआ है उसे तुरंत दुरुस्त किया जाए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं सोनपुरा एरिया वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से अरुण भूमि को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ सोनपुरा में आए और यहाँ का जो लेटेस्ट जो अभी बर्निंग इश्यू है हमारा सोनपुरा के अंदर, जो अभी जो अपग्रेडेशन ऑफ तेजू सोनपुरा रोड बाय PWD, जिसका बताया गया है कि 14+ करोड़ है, 14 करोड़ 99 लाख समथिंग कुछ है। सो अभी क्या है कि ये जो इश्यू है ये हमारा सोनपुरा के अंदर एक टॉक ऑफ द टाउन हो गया है। हर घर में ये एक चर्चा है। जब हमारे एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले जब रास्ता खराब हुआ करता था, तभी भी ये टॉक ऑफ द टाउन होता था, हर घर पे चर्चा होता था कि हमारा सोनपुरा का रास्ता बहुत खराब है। जब हमें ये पता चला, ये मालूम चला कि सरकार ने यहाँ पे एक हमारा सोनपुरा के लिए एक सौगात दिया है नया रास्ता अपग्रेडेशन के लिए, तो फिर से ये हमारे हर घर का अंदर, हर चूल्हे में एक चर्चा का विषय बन गया कि अभी सभी के अंदर, सभी सोनपुरा वासियों के अंदर खुशी की लहर दोहराया कि अभी हमारा सोनपुरा का रास्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अभी हालत है, नया रोड अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो ऑनगोइंग चल रहा है उसका हालत देखते हुए हमें बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो रास्ता का जो क्वालिटी है वो बद से बदतर है। हमें ये उम्मीद नहीं थी सरकार के तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से और कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से कि वे इस तरह से हमारे आत्मसम्मान के साथ, हमारे सपनों के साथ, हमारे रास्ते के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेगा। तो हम सभी सोनपुरा वासी एलोंग विथ साया भी कल शायद एक ये दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था कि हम सभी जो है मिल करके एक आवाज़ में हम कहते हैं कि हमें ये रास्ता नागवार है। अगर दोबारा अगर बनता है तो नए सिरे से बनना चाहिए। ये बहुत सालों से हमारा सोनपुरा वासियों की मांग है कि हमें अच्छा सड़क चाहिए। जब हम क्लास 2 में पढ़ते थे उस समय PWD ने ये रास्ता को बनाया था। उसके बाद शायद वो 1988 या 86 का समय का बात है, तब का रास्ता बना हुआ है और उसके बाद रास्ता बना नहीं कभी। छूट फूट रिपेयरिंग का काम आता था, लेकिन वो भी जो है बारिश के मौसम में फिर खराब हो जाता था। लेकिन फिर जब नया अपग्रेडेशन के लिए ये रास्ता जो नया अपग्रेडेशन के लिए जब आया तो हमें बेहद खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ
कि अभी हमें अपना हेडक्वार्टर जाने के लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी पे धक्का नहीं खाना पड़ेगा, आराम से हम जाएंगे। जिसके पास गाड़ियां नहीं है वो साइकिल से भी सफ़र कर पाएगा, बाइसाइकिल से। अभी साइकिल से तो सफ़र करना दूर, पैदल से जाना भी बहुत दिक्कत का विषय बनने जा रहा है आने वाले कल में, अगर इसी तरह का रास्ता बनता रहा तो। कई बार हम हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े पब्लिक लीडरों ने मिनिस्टर के सामने मेमोरेंडम रखा केवल रास्ते के ऊपर कि हमें अच्छा सड़क चाहिए, क्योंकि गांधी जी का ये कहना है कि सड़क ही हमारा देश को तरक्की के राह पर लेके जाएगा। और इस तरह का जो अभी जो सड़क बन रहा है वो क्या इस देश को, इस गांव को, इस सर्कल को, इस डिस्ट्रिक्ट को, इस स्टेट को क्या सही मायने में तरक्की के राह पर लेके चल रहा है? बिल्कुल नहीं। ये इस बात से हम सब जो है एक आवाज़ में हम विरोध करते हैं कि अभी जो काम है तुरंत बंद किया जाए। अगर काम शुरू करता है तो नए सिरे से रास्ता का निर्माण सही ढंग से होना है एज पर DPR। हम इस वो DPR के अनुसार जब हम जाते हैं रास्ता का जो क्वालिटी हम देखते हैं तो बिल्कुल ही मतलब लो क्वालिटी, आउट ऑफ ट्रैक, आउट ऑफ DPR। DPR को सही मायने फॉलो नहीं किया जा रहा है। और हमने सुनपुरा एरिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी एक मेमोरेंडम दिया था, एक एप्लीकेशन दिया था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD को, ऑफिस में जाकर उनके दफ्तर में हम गए थे, हम कुल मिलाकर 4-5 लोग गए थे, इस विषय को लेकर गए थे कि वी आर वेरी मच डिससेटिस्फाइड, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सुनपुरा रोड, क्योंकि हमारा मानना है कि जब सड़क बनता है तो सड़क दोबारा दो चार सालों में फिर दोबारा नए सड़क के लिए कोई सेंक्शन नहीं आने वाला। ये सड़क को हमें कई सालों तक इस सड़क पे ही हमको चलना पड़ेगा। हर चीज़ का एक उम्र होता है। तो अभी देखता हूँ कि जो अभी जो सड़क का जो निर्माण हो रहा है वो 5-7 दिन का जो बारिश नहीं झेल पा रहा है। आज सड़क बना कुछ किलोमीटर और 7 दिन का जो बारिश हुआ उसमें उस बारिश में सड़क धुल गया। आप लोग इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि हम अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ से खोते हुए आए हैं। हम लोग जहाँ सड़क टूटा हुआ है, पोर्ट होल्स बना हुआ है, हम उस वहाँ का दौरा करके आए हैं और हमें बेहद दुख हुआ। हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्टर इस ढंग से काम करेगा। हम जो है किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपना मांग रख रहे हैं। हमारा मांग यही है कि हमें अच्छी सड़क चाहिए। और हमारे माननीय विधायक महोदय जी से भी मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी सुनपुरा जो है आपका ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको अपना इलाके के तरक्की के बारे में, उन्नति के बारे में, दुख के बारे में, सुख के बारे में आपको सबसे पहले आगे बढ़कर आना है। और हमारे सुनपुरा का सबसे बड़ा दुख इस वक्त सड़क है। मैं आशा करता हूं कि विधायक महोदय, माननीय श्री करिकुकरी सर, आप इस विषय पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें और कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हमारे जो सड़क निर्माण को सही मायने में अच्छी क्वालिटी हो, इस बात का आप गारंटी लें। नए सिरे से सड़क का निर्माण फिर से दोबारा होना चाहिए। जो WBM के ऊपर जो डस्ट होता है उसको सही ढंग से ब्रश नहीं मार के, साफ नहीं करके, धूल को नहीं हटा करके उसके ऊपर बिटुमिन डाल करके मतलब ब्लैक टॉपिंग किया जा रहा था। तो मैंने कई बार वहाँ का जो मोहरी है उनसे बात किया कि भाई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जब सड़क जो कई सालों बाद कभी कभी एक बार आता है हमारी ज़िंदगी में इस तरह का अच्छा सड़क, आप अच्छे से बनाइए, सही ढंग से आप जो डस्ट है उसको अच्छे से साफ करके उसके बाद आप ये ब्लैक टॉपिंग का काम को आप आगे बढ़ाइए। तो हमारी इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। हम कितने बार हम हर रोज़ तो हम वहाँ पे जा करके हम चौकीदारी तो नहीं कर सकते। हमें भरोसा था PWD डिपार्टमेंट की तरफ से, ना उनका विजिट होता है साइट पे, ना JEE का विजिट होता है, ना AE का विजिट होता है, ना ही
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का विजिट होता है। हमने कई दफ़ा हम लोग ने डिमांड किया, यहाँ तक कि हम जेई से भी बात किया था कि अरे जेई सर आप साइट का विजिट करना चाहिए, लेकिन हमारी इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हम जाता है, लेकिन मैंने क्या, किसी भी गांव वाले ने आज तक किसी भी डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल्स है उनको काम का निरीक्षण करते हुए किसी ने नहीं देखा। ये बड़ी दुखी बात है। ये सरकार को इस बात का इल्म होना चाहिए कि किसी भी काम को जब किसी फॉर्म को दिया जाता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, तो डिपार्टमेंट का सुपरविजन में होता है, डिपार्टमेंट के इंजीनियर का सुपरविजन में होता है क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करने के लिए। अगर आप लोग ही घर पे पंखे के नीचे बैठ करके आराम फरमाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर अकेला तो जाहिर सी बात है वो तो रास्ता सही ढंग से बनाएगा नहीं। तो हमें, हम सब गांव वालों की तरफ से, हम सब सुनपुरा वासियों की तरफ से यही डिमांड है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जितने भी जो ऑफिसर्स कंसर्न डिपार्टमेंट PWD का जितने भी ऑफिसर्स इस रास्ते से ताल्लुक रखते हैं, जिनको इस रास्ते में निरीक्षण करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए जो ड्यूटी किया गया है, दिया गया था, अगर उन लोगों ने ड्यूटी सही ढंग से नहीं किया तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू। हम लोग आज अरुण भूमि के माध्यम से हमारे सुनपुरा के जितने भी रोड का जो अभी प्रॉब्लम जो चल रहा है इस वक्त जो, तो ऐसे तो मैं बेखुलंग से बिलोंग करता हूँ, मैं एक बेखुलंग का ग्राम मेंबर हूँ, तो मैं भी इस रास्ता को देख के मैं बहुत दुख जताता हूँ, क्योंकि हमने जब से एक सुनपुरा सर्कल में हमने जन्म लिया, सुनपुरा सर्कल को जब से पहचाना, तब से रास्ता का प्रॉब्लम होते आ रहा है। तो उस वक्त से रास्ता जितना भी हम लोग का सुनपुरा सर्कल का जितना भी ZPM मेंबर्स लीडर जो भी हम लोग का MLS आगे इस रास्ता का विषय में बहुत सारा रिपेयरिंग चलते ही बाद में पूरा पहले स्पीकर ने कहा पूरा टीचर बन जाता है। लेकिन जब हम लोग का इस जब पेमा खंडू सरकार, हमारा BJP सरकार जैसे ही आते ही हमारा एक सुनपुरा सर्कल को एक अच्छा रास्ता देने के लिए जब उन्होंने पूरा ट्राई किया, उन्होंने पूरा सेंक्शन कर दिया, तो इस तरह से रास्ता हम लोग हालात जो देख रहा है तो बहुत दुख हम लोग को लगता है। तो इसलिए हम लोग ने पूरा जितने भी आज हम लोग का साथ में जितने भी हम लोग सुनपुरा के पब्लिक यूथ और हमारे सामने बैठे हुए हमारा येलांग का ग्राम चेयरपर्सन भी सामने मौजूद है, हमारे ये ग्राम मेंबर है कोरा, तो हम लोग ने भी एक डिसीजन लिया कि हम लोग ने इस रास्ता को बार बार हम लोग सच बोला जाऊँ तो अगर हम इस रास्ता को ही क्यों हम लोग बार बार बैठ के इस तरह से बात करते रहेगा, सरकार को हम लोग क्यों इस तरह से डिमांड रखते रहेगा, सरकार को हम लोग ने ऑलरेडी रास्ता अच्छाई के लिए मांगा, रास्ता सरकार ने हमें गांव वाला का सुविधा के लिए, गांव वाला का अच्छाई अपना रास्ता जो भी ऑफिशियली काम सही करने का रास्ता एक दिया, तो उसमें इस तरह से करप्शन जो हो रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर में हम लोग बहुत दुख हम लोग करता है। कहीं ना कहीं PW डिपार्टमेंट का ही कमजोरी है इसमें, डायरेक्ट हम उसको PW डिपार्टमेंट को हम ब्लेम करेगा, क्योंकि जो भी हो उसका निगरानी में बन रहा है ये रास्ता, तो डिपार्टमेंट नहीं, हम पब्लिक को, हम ग्राम मेंबर को, हमारे पूरा पंचायत को एक मजबूर करता है कि गवर्नमेंट का एगेंस्ट में हम लोग को खड़ा करना पड़ता है। अगर पहले हमारा स्पीकर ने कहा कि अगर ये रास्ता इस तरह से होते रहेगा तो पूरा हम लोग जो है पूरा मतलब रास्ता को हमें बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं देगा, अगर जिस तरह से अभी आज हम लोग ने पूरा अरुण भूमि के थ्रू से हम लोग ने जो सर्वे किया, रास्ता पूरा एक मतलब ना का बराबर है, रास्ता नहीं बनाया हुआ ही टाइप का है। तो इसलिए जो पहले स्पीकर ने कहा कि रास्ता को हम लोग पूरा रास्ता रिकंस्ट्रक्शन में ही आना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल अभी हम लोग यहाँ आने के बाद पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर फिलहाल 3 महीना के लिए इस बारिश का मौसम में रुका हुआ है, लेकिन अभी हम लोग बोल के तो फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन अभी हम लोग अभी से हम लोग जो है आपको इंटेंशन दे रहा है कि आप लोग इस रास्ता को जल्द से जल्द जब करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने PWD को ग्राम मेंबर हम लोग ने मिल के ये एक ऑलरेडी कंप्लेंट तो डाला हुआ ही है। तो अगर जिस तरह से आज हम लोग यहाँ में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहा है अरुण भूमि का चैनल के माध्यम से, इस चैनल में जो हम बता रहा है, इंटरव्यू जो हम दे रहा है, तो उसका मुताबिक हमारा सरकार तक भी पहुँचे और ख़ास करके हमारा PWD आप आके पूरा इसको एक्शन तो लेना होगा, अगर नहीं हुआ नहीं लिया तो हम लोग पूरा
बेखुलंग से लेके पूरा सुनपुरा जितना बस्ती सब ले करके हमें इस रास्ता को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि हम लोग इतना हालत खराब रास्ता में चल चल के हम लोग थक चुका है। क्योंकि मैं एक बेखुलंग से बिलोंग करता हूँ, हमारा सर्कल यहाँ है, हमारा हेडक्वार्टर इधर है, एसी पोस्ट इधर है, हमारा एक राशन कार्ड से लेके एसटी पीआरसी से लेके हमको यहाँ आके बनाना पड़ता है। हमारा बेखुलंग का पब्लिक कितना तकलीफ होता है इस रास्ता में, कितना घर में नहा के आता है तो शाम को नींद नहाने का पूरा खिची सफा करके आया जैसा हो जाता है। इसलिए सरकार से हम यही दरख्वास्त करता है कि रास्ता को इस तरह से ना अनदेखा ना करे, रास्ता को जो गवर्नमेंट ने हमें गांव वाला का भलाई के लिए दिया है उनको इस तरह से मिस यूज़ ना करे आप लोग, हम लोग यही उम्मीद करता है। और जब अपना गाँव अपना ही जगह सोच के आप अच्छे से काम कीजिए, और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से मैं वही उम्मीद करता हूँ, और विधायक से भी यही उम्मीद करता हूं कि आपका निगरानी में ही पूरा होना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले नहीं होने से पहले पूरा ड्रोन में भी दिखाया गया, हम लोग पूरा सुनपुरा और बेखुलंग से लेकर बेढ़गाम तक पूरा खुशी हुआ था कि हमारा सर्कल में इस प्रकार बहुत अच्छा रास्ता बन रहा है, लेकिन आज हम देखता है ख़त्म होने जा रहा है, इस तरह से रास्ता हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत दुख लगता है। उससे आगे और मैं क्या कहूँ, सब समझदारी है, तो मैं उतना ही कहूँगा। थैंक यू।